महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 105 लोगों की मौत हुई है और 4,365 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वायरल संक्रमण से 6,384 मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। इस प्रकार राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 64,15,935 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,35,672 हो गई है। उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में लगातार 5वें दिन कोविड-19 का कोई मामला नहीं आया है। अधिकारी ने बताया है कि दिन के दौरान 6,384 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसमें राज्य भर में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 62,21,305 हो गई है। महाराष्ट्र में अब 55,454 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 96.97% है, जबकि मृत्यु दर 2.11% है। अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम से अब तक 206,848 जांच की गई है, जिसमें राज्य में अब तक की गई जांच की कुल संख्या 5,19,21,798 हो गई है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया है कि मुंबई में कोरोना वायरस के 322 नए मामले आए हैं, जिसमें महानगर में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 7,40,612 हो गई है, जबकि संक्रमण में 6 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 15,941 हो गई है। महानगर में 223 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के साथ ठीक होने की संख्या बढ़कर 7,19,381 हो गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बीएमसी अस्पतालों में एनआईसीयू बेड की कमी अभी से ही सताने लगी है। हालांकि इस कमी को दूर करने की दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ाए हैं। भांडुप में 20 बेड का एनआईसीयू शुरू करने के बाद कुर्ला भाभा अस्पताल में भी एनआईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। मुंबई में कोरोना काल की वजह से 2019 के मुकाबले में मुंबई में भले ही डिलीवरी कम हुई हो, लेकिन नवजात मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।